हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्रिकेट. और आज जो है मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं शी स्पेशल फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. द फैक्ट दैट शी इज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड कैरिड दिस टीम थ्रू इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम गेसिंग एवरीबडी हु फॉलोज पाकिस्तान क्रिकेट. नाउ शी वॉज ऑल्सो वोटेड एज द वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एंड शी इज़ गॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स इन T20s एंड वन डे इंटरनेशनल्स. आई हैव गॉट विद मी समबडी who is very special in so many different ways, like I said, Sana Mir. Sana, thank you so much for taking out the time. I'm so glad ki finally, badi mushkil se hum koshish kar rahe the ki kisi tarah inko yahan pe laye, thoda sa waqt inhone hame bhi de diya. But, you know, how are you feeling being on Voice of Cricket? Haan ji, definitely thank you for the lovely introduction. डेफिनेटली मैं भी चाह रही थी आना, लेकिन बस कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं, थोड़ा सा हम लोगों के प्रैक्टिस स्केड्यूल्स बहुत बिजी रहे तो जिसकी वजह से नहीं कर सके. तो आज मैं फाइनली आपके रिप्रेजेंटेटिव मुझे NC से पकड़ के जो है ना वो स्टूडियो तक ले आए हैं. पर यू नो सना, मैं जिस तरह शुरू में कह रही थी कि वुमेन्स क्रिकेट, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की पहचान और आइडेंटिटी, जब मैं सोचती हूँ या जितना मैंने फॉलो किया, जितने लोगों ने फॉलो किया, सबसे पहला नाम आपका आता है. आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू गॉट इनटू इट इन टर्म्स ऑफ लीविंग Nast and then coming here. How was that journey? Alhamdulillah ji, God has been very kind. I have to say that before I start anything else. But ये कि definitely journey तो बहुत लंबी थी और मेरे से पहले भी बहुत लोग cricket खेलते आ रहे थे, पाकिस्तान को represent करते आ रहे थे, world records भी थे, जो पुरानी captains थीं, जो पुराने teammates थे, पर वो recognition उस वक्त नहीं था women's cricket में. और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काफ़ी थी पर टीम परफॉर्मेंस नहीं थी. तो आई वॉज़ वेरी लक्की जब 2009 में हम मुझे कैप्टनसी मिली, तो उसके एक साल के अंदर अंदर हमने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया. तो आई थिंक दैट वाज द माइलस्टोन, दैट वाज वन पॉइंट वेयर एवरीवन न्यू कि जी हाँ जी, हमारी भी एक पाकिस्तान की वुमेंस टीम है. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ अचीव हुई. और जहाँ तक नष्ट की बात है तो डेफिनेटली वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बड़ी 4-5 साल की मेहनत के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ, जो FSC अच्छे कॉलेज में, फिर उसमें बड़े अच्छे मार्क्स लिए. नष्ट का 4-5 घंटे का बैठ के मैंने एंट्री टेस्ट दिया, उधर एडमिशन हुआ. और फिर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया 1-2 महीने में, और मैंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है. तो डेफिनेटली मेरे टीचर्स, मेरी खालाएँ और जो फैमिली के भी लोग थे, दे वर अ बिट मतलब एंग्री ऑल्सो कि भाई इतनी मेहनत की है तो ये क्या कर रही है, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट की उस वक्त कोई भी ना इम्पोर्टेंस थी, ना कोई फ्यूचर था, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स थे. तो बेसिकली विदाउट एनी सिलेक्शन, किसी तरह की सिक्योरिटी के बगैर मैंने छोड़ दिया नास्ट. वो भी अब्बू की सपोर्ट से. वो मैंने काफ़ी दफ़ा स्टोरी सुनाई है कि ही सेड दैट वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीमेल इंजीनियर्स बट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ फीमेल क्रिकेटर्स, तो लेट्स आप जाके ट्राई कर लो. तो वो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए. और वो था भी 1 अप्रैल को, जब मैं फाइनल क्लियरेंस ले रही थी, तो मेरी क्लास के सारे लड़के समझ रहे थे कि मैं अप्रैल फूल बना रही हूँ. मेरी क्लास में कोई लड़की नहीं थी उस वक्त. तो वो काफ़ी जो था एक मतलब काफ़ी इवेंटफुल वो दो महीने थे मेरे लिए. पर फिर ग्रेजुअली 3-4 साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली वी वॉन द गोल्ड मेडल. और फिर माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए और फिर चीज़ें बेहतर होती गई. अच्छा, सो यू सेइंग दैट योर पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव, इज दैट ट्रू? या My parents were always supportive. I got selected for the first time in a trials. मैं टेक्सिला से आई थी लाहौर ट्रायल देने. गद्दाफी स्टेडियम में ट्रायल्स होते थे, पर उस वक्त जिस तरह की वो लेटर आया ना ट्रायल्स के बाद, उसकी हालात देखते हुए उसमें था कि जी आपने अपने साथ मैट्रेस भी लाना है और आपने अंडे भी लाने हैं, इस टाइप का वो जो सेटअप था. तो अब्बू ने कहा कि बेटा इधर तो मैं आपको नहीं भेज रहा. जो लोग बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, वो कोई प्राइवेट था, लेकिन वो एक विंग था उस वक्त वुमेंस क्रिकेट का. तो उस ज़माने में जब मैं 8th में थी तब नहीं जाने दिया अम्मी अबू ने. फिर FSC, फिर मैंने 4 साल लग के पढ़ाई की. फिर मैं FSC में केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रही थी, और अक्सर मैं जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स बनाते बनाते मैं फील्ड सेटिंग शुरू कर देती थी, वहीं पर मेरे सर्कल के फील्डर्स शुरू हो जाते थे. तो वो फिर ये था कि फिर अम्मी ने मुझे आगे कहा कि इस तरह ट्रायल्स हो रहे हैं, फिर देन आई गॉट सेलेक्टेड. बट यू नो, टॉक अस थ्रू योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ you know, being from a fast bowler to a spinner. I mean, ये किस तरह से एक आपकी? That was basically बस जिस तरह कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपको ना रोक के झटका दे के और रीडायरेक्ट कर देता है कि आप अपने लिए ये चीज़ बेहतर समझ रहे होते हैं, पर वो सारे प्लान चौपट हो जाते हैं. तो मैं बचपन से जब गली में क्रिकेट खेलती थी लड़कों के साथ,
तो मेरा रनअप सबसे लंबा होता था, मैंने वकार यूनुस का रनअप कॉपी करना होता था, मैं पीछे से भाग के आती थी और एक्चुअली जो बैटर होता था वो कमर पे हाथ रख के वेट करता था कि ये भाग के आएगी तो बॉल कराए। तो मुझे इतना शौक था फास्ट बॉलिंग का और मुझे रनअप में रनअप का जो बड़ा शौक होता था। पर बस जब मैंने, क्योंकि फिटनेस का कुछ आइडिया नहीं था जिस वक्त क्रिकेट स्टार्ट की, तो ओवरडू कर दिया, बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, कोई जिम नहीं करते थी, अच्छे जूते नहीं पहनते थे, बस जो उस वक्त हाथ लगा पहन के बस 6-6 घंटे हमने किया, तो मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था बैक में। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप तो खेले में भी मत, पैरालाइज हो सकती हैं ऐसे ऐसे। फिर जब स्पोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, लेकिन अब आपको एक्शन को रीमॉडल करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी लंबा काम था, उतनी देर में हमारा एक टूर्नामेंट आ रहा था, तो उसमें मुझे एज अ बैटर खिला दिया क्योंकि मैं ऑलराउंडर थी। तो मैं नेट में एक दिन खड़े होकर पहले अपनी रीमॉडलिंग कर ली फास्ट बॉलिंग की, तो फारिग खड़ी थी, तो मैंने ऑफ स्पिन एक दो फेंकी, तो सर उमर रशीद थे उस ज़माने में, उन्होंने कहा ये तो तुम अच्छी खासी करा लेती हो। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता पर मैंने स्पिन शुरू कर दी पाकिस्तान के लिए। बट यू नो वी सीन यू बॉल, वी सीन यू बैट, लेकिन आपकी फील्डिंग भी जो है, हमने एक आपके लिए क्लिप संभाल के रखा हुआ, स्पेशली जो आपका वो जो कैच था इंडिया के खिलाफ, ज़रा दिखा दें। ये सना सुपरमैन जैसे होता ना, सुपर वुमन, वंडर वुमन, एलन विल्किंस के साथ पीछे कमेंट्री हो रही है, मुझे उनकी आवाज़ पहचानी गई है। बट यू डू यू एंजॉय फील्डिंग? व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू लव इट, अब एट टाइम्स कभी कभी थक भी जाते हैं हम लोग, पर डेफिनेटली फील्डिंग इज समथिंग दैट आई हैव एंजॉयड। क्योंकि जब बिल्कुल छोटे होते थे तो भाई के साथ खेलने जाते थे तो लड़के फील्डिंग पे ही खड़ा कर देते थे कि अभी आप फील्डिंग करें। तो फील्डिंग से बेसिकली मैंने हर टीम में जगह बनाई थी जब एज ए किड, जब वो मुझे फील्डिंग करता देखते थे ना लड़के के, यार ये लड़की बड़ी अच्छी फील्डिंग करती है, तो फिर वो कहते थे चलो उसको थोड़ी सी बारी भी दे दो। तो वो एक्चुअली मेरा जो था ना वो फर्स्ट इंप्रेशन होता था किसी भी, क्योंकि अबू आर्मी में थे तो हर थोड़े अरसे बाद कंटोनमेंट बदलता था। तो नई कंटोनमेंट में जो मेरा ऑडिशन होता था ना, एक इनफॉर्मल ऑडिशन, वो फील्डिंग की बेस पे होता था। तो मैंने फील्डिंग पे हमेशा बड़ी मेहनत की है अपनी। ऑब्वियसली लड़कियां जो अब जो आएंगी, जो नई भी आएंगी, वो नीचे से ही आएंगी, कहीं ना कहीं से स्कूल कॉलेजेस यू नो डिपार्टमेंट्स उससे आएंगी, तो वहाँ पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर देखा जाए टू बी अलाउइंग देम टू प्ले फॉर द नेशनल टीम? हम देखते हैं कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर मीन्स ऑफ अर्निंग, so what kind of challenges are the girls facing at that level? Bahut se challenges hain ji. Lahore college recently started like 3-4 years before jab madam bushra ehtezaz was heading women's cricket, to unke hote hue scholarship shuru hui lahore college mein, jisme unhone full fledged cricket ke upar ladkiyon ko scholarship deni shuru ki. Diana and Nashra basically us program ka hissa bani aur ab wo pakistan khel rahi hain. पर होता क्या है कि फिर हम उस सिस्टम को उस तरह रन नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है जिस तरह डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है कराची में, पर हम ZTBL उसमें पार्ट नहीं ले सके क्योंकि आखिरी टाइम पे द कॉलेज टीम वांटेड देयर गर्ल्स टू रिप्रेजेंट अ कॉलेज रादर देन अ डिपार्टमेंट। तो दे जस्ट उन्होंने टीम से लड़कियाँ ही ले ली हमसे कि जी हमें तो अपने कॉलेज के लिए चाहिए। तो ये चीज़ इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अभी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर कि इट्स प्राइड फॉर देम इफ़ देयर गर्ल इज़ प्लेइंग फॉर अ डिपार्टमेंट और नेशनल टीम। तो उनको तो फ़ख्र होना चाहिए, ऐसे बच्चों को तो सपोर्ट करना चाहिए। हम उनको ही ट्विस्ट एंड टर्न करके छोटी छोटी पेटी पॉलिटिक्स में उस लेवल पर करते हैं। तो अभी है कि बहुत कम स्कूल कॉलेजेस इसके ऊपर काम करें, 2-3 colleges हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, पर हमें बहुत से और कॉलेजेस चाहिए और वहाँ पर जो लोग हैं जो एथलीट्स को हैंडल करते हैं वो बहुत अच्छे लोग होने चाहिए ताकि हम ग्रास रूट से बच्चों को कॉन्फिडेंस दे सकें, उनको गाइडेंस दे सकें और उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज बना सकें, चाहे रादर दें डांट टपट करके बस सारा वक्त डिसिप्लिन करें। आई थिंक दैट कल्चर डेफिनेटली नीड्स टू चेंज। आई मीन जितने भी आपके टीचर्स हैं इन ऑल दीज कॉलेजेस, दे नीड टू बी सपोर्टिव रादर देन कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करो, आप उनको रोको, आप उनको मौका दो कि वो जाके अपने डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करें और खेलें। एंड आई डोंट नो, आई मीन इट्स रियली सैड टू हेयर कि उन दो लड़कियों को रोका गया। डायना हैज़ बीन ऑन द शो इज वेल, and you know it was brilliant to talk to her to see what the kind of talent that she is. We've seen her talent. And what's really frightening is कि अभी ये जो नेशनल प्लेयर्स पे नोन लोग हैं,
ये तो फिर इनकी कुछ स्टैंडिंग है, डायना नशरा को जानते हैं लोग, तो एक आम बच्ची जो स्पोर्ट्स बेसिस पे स्कूल कॉलेज में जाके लेती है, मुझे नहीं पता कि उसके साथ अभी हम क्या रवैया रखते हैं, तो हमें उन रवैयों को भी बदलना। कमिंग बैक टू यू नो मतलब द टीम इटसेल्फ, हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये वो, आपके पर्सनल अब गोल क्या है, लाइक यू नो ऑब्वियसली यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एज़ अ कैप्टन, व्हाट इज योर, इज इट टू विन द वर्ल्ड कप और व्हाट? यार विन द वर्ल्ड कप तो मेरा 2009 से था, जब आई वाज मेड द कैप्टन इन 2009 राइट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, वी हैड ओनली प्लेड वन और टू T20s और मैं सीधा वर्ल्ड कप हम लोग चले गए थे, और एलेक्स ब्लैकवेल जो ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो आज तक मुझे हंसती है कहती, मुझे तुम्हारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, तो उसमें मुझसे जब पूछा उन्होंने कि आप इधर क्यों आए, तो मैंने कहा हम तो जीतने आए, तो वो सारे मुझे कैप्टन जैसे देखने शुरू हो गए कि अभी अभी तो क्वालिफाई किया, तो वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश तो हमेशा से और हमेशा रहेगी जब तक खेल रही हूँ, चाहे वो जितना भी रियलिस्टिकली दूर लगता है, पर ख्वाहिश तो है जब भी खेलने जाना है तो जीतने के लिए जाना है। अच्छा, व्हाट अबाउट द पीपल हु क्रिटिसाइज यू कि जी अपनी लड़कियाँ लाती है, कनेड कॉलेज से सारी लड़कियां भर्ती की हुई है, ये किया हुआ वो, कि उन लोगों के लिए आपका क्या? बड़े मज़े की बात है आपने कनेड का जिक्र किया, कनेड की कैप्टनसी मैंने 2 साल की, और उसके बाद इसी बात पे मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती थी कि कनेड की कितनी लड़कियां पाकिस्तान में, उनके कोच ने ऐसी कोई बात पूछी तो मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैंने कहा जी मैं आई नेवर काउंट गर्ल्स कि मेरे पास कितनी और कितनी नहीं, तो बेसिकली मैं, मेरी तो आज तक ना कज़न ने खेला क्रिकेट, ना मेरी कोई भतीजी भांजी ने खेला, ना मेरी बहन ने खेला, तो मेरी लड़कियां और कौन, हर पाकिस्तानी लड़की मेरी लड़की है, तो अगर उस पर मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो 100 दफ़ा लगाएं, पर मसला ये कि अभी हमारे पास जो कोई भी अकलमंद कैप्टन होगा ना, जो ख़ास तौर पे एक स्ट्रगलिंग नेशन से जहाँ जिस तरह के हमारे हालात हैं, वो इस पर बेईमानी कर ही नहीं सकता कि उसने अच्छे प्लेयर को लेकर जाना, इस बात पर कोई अकलमंद कैप्टन कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता, वो अपने साथ बेस्ट प्लेयर लेके जाए। पोस्ट रिटायरमेंट मुझे ये बताएं कि कोई कमेंट्री या कोचिंग या क्या इरादा है? कमेंट्री की ऑफर्स हो चुकी है मुझे, और डेफिनेटली वो आई थिंक यू वुड मेक अ गुड कमेंटेटर सीरियसली, बस अब आप कह रही हैं तो फिर और अच्छी हो जाए, PSL में भर्ती करो इन्हें। तो कमेंट्री की हो चुकी है, कोचिंग भी है कि मैं साथ साथ कर रही हूँ, पिछले साल मैं स्वीडन गई थी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने क्रिकेट, इस साल मेरा प्लान है इंशाल्लाह कनाडा जाने का, और बाकी पाकिस्तान के अंदर तो जब मौका मिलता है मैं ज़रूर लोगों के साथ करती हूँ, तो क्रिकेट से एसोसिएशन ऐसी इश्क है मुझे क्रिकेट से, तो वो उसको पूरी तरीके से छोड़ना मुश्किल है, पर डेफिनेटली जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, मैं कोई कभी भी फिक्स बहुत ज़्यादा नहीं रखती अपने इरादे, तो अभी तो चलें चैनल्स जो हैं वो सोच लें, क्योंकि एक्सपर्ट्स की उनको आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास एक्सपर्ट भी मैंने किया है कुछ चैनल्स पे, पर डेफिनेटली प्लेइंग के साथ ज़रा टाइम कम होता है आपके पास, हाँ। तो चीज़ें करनी। अच्छा, आप मेंस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है पाकिस्तान टीम को आजकल? मैं बड़े ट्वीट्स वगैरह देख रही हूँ। शोएब मलिक, वो तो आसान सवाल है, क्योंकि शोएब भाई का ये है कि वो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, किसी लड़की ने परफॉर्म किया किसी जगह पर हमने परफॉर्म किया तो बड़े खुले दिल से बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं, और हफीज़ भाई भी काफ़ी करते रहते हैं उस तरह मैसेजेस, पर आई थिंक शोएब मलिक इज टेकिंग द लीड एट द मोमेंट। सबके ही फेवरेट हैं, आई थिंक डायना ने भी शायद यही कहा था जितना मुझे याद है, और भी जितने भी प्लेयर्स हैं बड़े बड़े गिने चुने हैं ना जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते, तो नाम एक दो ही आएंगे। अच्छा, थोड़ी सी सीरियस बातें तो होगी, अब वक्त हो गया है हमारे पावर प्ले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको क्विकली जो है ना आपको रिप्लाई मुझे करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा लंबा सोचना नहीं पड़ेगा, रैपिड फायर टाइम। अच्छा जी, योर बिगेस्ट फेयर? अब फियर्स पता ख़त्म हो गया, पहले मुझे हार से डर लगता था, अब नहीं लगता। ये तो बहुत यू नो हमारे जो नए पाकिस्तान के जो नए लीडर हैं उनकी भी यही लाइन, वो अक्सर ये बात करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी, ये मुझे समझ पिछले एक साल में आई है, क्योंकि मैं काफ़ी इस चीज़ के ऊपर काम करती रही अपनी मेंटोर के साथ भी, और काफ़ी लीडरशिप डिफरेंट मैंने वो देखे मॉडल्स, तो उसमें मुझे अभी है कि अब मुझे डर नहीं लगता, मतलब पहले हारने से लगता था या फेलियर से लगता था, अब नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बिरयानी या पुलाव? ओए होए पुलाव है ना, मुश्किल से बात। हाँ वाकई मुश्किल है, वैसे मुझे भी पुलाव ज़्यादा पसंद है। अच्छा, योर फेवरेट टीम इन PSL? क्वेटा ग्लेडिएटर्स। सरफराज अहमद हमारे कप्तान की टीम, क्वेटा ग्लेडिएटर्स। Viv Richards being good. Is that the reason why you support them? Yeah, I think he's one of the biggest reasons. Agar aapko mauka mile to be some other cricketer for one day, who would you want to be? It would be either Imran Khan or MS Dhoni.
इमरान खान और एम एस धोनी इंस्पिरेशन. He's one of my favorite Indian cricketer of all time. He's one of the favorite captains I think for me. Definitely. Acha ji, favorite international women cricketer. Susie Bates, for a lot of reasons. She's very humble, absolutely brilliant in what she does, and very empathetic aur badi zabardast insaan. Elise Perry kaisi hai? एलिस भी बहुत अच्छी है, बट आई थिंक बेट्स टेक्स द केक. अच्छा जी, फेवरेट इंटरनेशनल मेन क्रिकेटर करंट में इट वुड बी एम एस धोनी. एम एस धोनी बहुत बड़ी फैन है. इफ यू हैड अ चांस टू हैव एनी सुपर पावर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? Invisible. I would like to be invisible. You would like to be invisible so that you can just see people then and then I don't have to buy a ticket for the aeroplane. I don't have to actually किसी भी जगह पे I can sneak in. So. Yeah, and hear conversations and know exactly what's going on. See, that's smart. अच्छा, we're going to show you a picture and you have to throw a word. जो भी आपको लगा. चले जी. Beautiful. Beautiful, is that it? Yeah. जो आपने आर्टिकल लिखा था ना, वो आई फील के बहुत ज़रूरी था लोगों के लिए ये समझना कि जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी. बात कॉन्सेप्ट की, क्योंकि बहुत से आर्ट्स आए इससे पहले और मैंने जाने दिए, पर वो ऐसा था कि जिसको मुझे था कि ऑब्वियसली मेरा उसमें किसी एक बंदे को टारगेट करना नहीं है, पर डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी ख़वातीन को ख़ास तौर पर, इवन आदमियों को भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए रंग का और हाइट का और फिगर का, वो कम होता है पाकिस्तान में पर होता है, पर लड़कियों को इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी लड़कियों ऑलरेडी, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है, तो अगर हम उनकी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम. सो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न. चले जी, अगली पिक्चर. वन वर्ड. बैटिंग लेजेंड. नेक्स्ट. बिस्बी. She's the most hard-working player in our team. Oh, wow. And obviously the pride of our nation as well. Haanji, next. Lala. I think Boom Boom is the best name he's been given. So I think... Boom Boom. Yeah. No, obviously, I mean, inka jo ab celebration style... The X Factor. Yeah. The X Factor that he has. Ab, kaun keh raha tha? Talking about his celebration, ab Hasan Ali ki celebration jo hai. That's the main, celebration that takes all the limelight. Anyway, Sana, it was lovely talking to you. Thank you so much for your time. I wish you all the best for all your future endeavors. But before you go, you have to play the Crick and Jif VR game. Jis pe kafi humare legends aake score bhi kar chuke hain. So, you know, you need to beat the score and be the top scorer here as well. And Sana Mir is leading the charts with 34 runs. दो runs आपके miss हो गए सना. कितना अफसोस हुआ उसके लिए? ये बस थोड़ी सी अफसोस की बात है, पर चलें, बहुत अच्छा स्कोर हो गया. नेक्स्ट टाइम के लिए, यू नो, यू सेट द बार, यू 34 runs. अभी तक हमारे जितने भी यहाँ पे क्रिकेटर्स आ चुके हुए हैं उन्होंने इतना स्कोर नहीं किया. एंड अगेन, दिस इज़ अ साइन कि जो लड़कियाँ हैं वो कहीं पीछे नहीं है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की दे रहे हैं और दिमाग जो है वो ज़्यादा हाजिर है और जो एबिलिटी है उसमें भी कोई कमी नहीं है. बट वंस अगेन सना, थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ ऑन दिस शो एंड यू नो वी विश यू लक. एंड अगेन, हम आपको दोबारा बुलाएंगे क्रिक एंड जिफ पे. चले, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द शो. वी विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट. अंटिल देन, इट्स गुड बाय.